हे एवरी वन, वेलकम बैक टू आर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड क्यू कार्ड है कि डिस्क्राइब अ रॉन्ग इन्फो यू गॉट फ्रॉम अदर्स, के कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है जो आपको किसी दूसरे से मिली हो। एंड सैम्पल आंसर के साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे। क्यू कार्ड है कि डिस्क्राइब अ रॉन्ग इन्फो, एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हेन डू यू गेट इट, हाउ यू गॉट इट, हाउ यू फाउंड इट वॉज इनकरेक्ट, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कि आपको ये कब मिली एंड कैसे मिली, एंड ये आपको कैसे पता चला गया, कैसे आपने फाइंड किया कि ये इनकरेक्ट थी एंड आपने इसके बारे में क्या फील किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम एंड एज फ्रेंड सजेस्ट आर सुपोजली रेपिटेबल ऑनलाइन सोर्स फॉर स्टडी मटीरियल्स, के एक साल पहले मैं अपने एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने एक मेरे को एक स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन था उसे रेकमेंड किया। दे वर कॉन्फिडेंट इट वाज द मोस्ट एक्यूरेट एंड अपडेटेड रेफरेंस अवेलेबल। तो जो वो ऑनलाइन मटेरियल था वो अपने आप को एक एक्यूरेट या अपडेटेड अवेलेबल रेफरेंस बता रहा था। ट्रस्टिंग देयर वर्ड, उनके वर्ड को ट्रस्ट करते हुए प्रॉम्प्टली असेस द वेबसाइट, मैंने जल्दी से वो वेबसाइट असेस की एंड डेडिकेटेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी द कंटेंट इट प्रेजेंट, एंड अपना जो बहुत कीमती टाइम है उस पे इन्वेस्ट किया अपने जो स्टडी के रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट था उसको देखने के लिए। द वेबसाइट हैज़ अ प्रोफेशनल डिज़ाइन, जो वेबसाइट का डिज़ाइन था वो प्रोफेशनल था, विच इनिशियली गेव मी द कॉन्फिडेंस इन इट रिलायबिलिटी, जिसने मुझे जो उनकी रिलायबिलिटी उन पे कॉन्फिडेंस क्रिएट किया मेरा। इट वॉजेंट अंटिल अ फ्यू वीक्स लेटर, के थोड़े हफ्तों के बाद मैंने ज्वाइंट अ स्टडी ग्रुप, जब मैंने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया दैट आई रियलाइज द डिसअपीयरेंस, तो मैंने उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें रियलाइज़ किया। वी वर डिस्कसिंग अ टॉपिक एंड कोट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सैड वेबसाइट, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंड उसकी इन्फॉर्मेशन जो उस वेबसाइट पे थी। माई स्टडी मेट्स लोग पजल्स एंड क्विकली करेक्टेड मी, जो मेरे स्टडी मेट्स से जो मेरे पार्टनर थे या पीयर्स थे उन्होंने जब मेरे स्टडी मटेरियल के ऊपर देखा तो उन्होंने मुझे वो पजल हो गया एंड उन्होंने इमिडिएटली मुझे करेक्ट किया। रेफरेंसिंग आर ऑफिशियल टेक्स्ट बुक, उन्होंने अपनी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक रेकमेंड की एंड सम रिकोगनाइज ऑनलाइन सोर्सेज, एंड उन्होंने कुछ ने मुझे एक ऑनलाइन सोर्सेज रेकमेंड किए। टू माई डिसमे, जो मेरा डिसमे मीन्स को एक हमारी अनहैप्पीनेस या सरप्राइजिंग फीलिंग होती है उसे बोलते हैं, कि उस फीलिंग को आई क्रॉस रेफरेंस्ड द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट दैट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वट आई स्टडी वॉज आउटडेटेड और इन सम केसेज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। तो मैंने जब क्रॉस चेक किया उस इन्फॉर्मेशन को तो मैंने क्या फाइंड किया कि जो उसका बहुत सा इंपॉर्टेंट पोर्शन था मेरी स्टडी का वो आउटडेटेड था उस ऑनलाइन मटीरियल पे, या मोस्ट ऑफ द जो था वो इनकरेक्ट था। दे फेल्ट अ मिक्स ऑफ इमोशंस, मेरे जो इमोशंस थे वो बहुत ही मिक्स थे, एम्बेरसमेंट फॉर द कॉन्फिडेंटली शेयरिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर द वेस्टेड आवर्स आई हैड स्पेंड ऑन दैट वेबसाइट, कि मैं एम्बेरस फील कर रहा था कि मैंने जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो उसे कॉन्फिडेंटली शेयर किया, एंड मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं बहुत से अपने जो क्वालिटी टाइम था या आवर्स थे वो स्पेंड किए थे उस वेबसाइट पे। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी अ वैल्युएबल लेसन, उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइड सोर्सेज एंड नॉट सोली रिलाई ऑन समवन एल्स वर्ड्स, के किसी भी सोर्स जो कि जो वेरीफाई सोर्सेज होते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस बताई है, किसी भी अनदर किसी भी किसी के भी वर्ड्स पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए, नो मैटर हाउ ट्रस्ट वर्थी दे सीम, इस ये मैटर नहीं करता वो कितने ट्रस्ट वर्थी आपको दिखा रहे हैं। इन द डिजिटल एज, डिजिटल की एज में मिस इन्फॉर्मेशन इज राइफ, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इट्स क्रूशियल टू बी कंसर्निंग एंड क्रिटिकल ऑफ वट वी चूज टू बिलीव, कहते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप चूज कर रहे हैं या उसे बिलीव कर रहे हैं उसे डिसकंसर्न करना। तो ये तो हमारा सैम्पल आंसर था एंड इसके फॉलोअप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन इज़ वट काइंड ऑफ प्रोफेशंस आर रिलेटेड टू गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, कि कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूमरस प्रोफेशंस रिवॉल्व अराउंड अराउंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जर्नलिस्ट फॉर इंस्टांस, जो जर्नलिस्ट होते हैं
फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड रिपोर्ट न्यूज स्टोरीज टू द पब्लिक, जो रिसर्च कर रहे हैं रिपोर्ट्स उन्होंने की पब्लिश किए थे उन्हें पब्लिकली लोगों को दिखाते हैं, इंश्योरिंग दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, वो जो करंट इवेंट्स हैं उन्हें दिखाते हैं पब्लिकली। टीचर्स एंड एजुकेटर्स इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, जो टीचर्स होते हैं एजुकेटर्स होते हैं वो भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, गाइडिंग देयर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, उन्हें एकेडमिक के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए गाइड करते हैं। लाइब्रेरियंस असिस्ट यूजर्स इन असेसिंग बुक्स एंड रिसोर्सेज, जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो यूजर्स को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज असेस करते हैं। वाइल पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक, जो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और पब्लिक के बीच में। ईच ऑफ दीज रोल्स एम्फेसाइज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ वाइडर ऑडियंस, के जो हर एक रोल है वो बहुत अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड शेयर करता है टू द वाइडर ऑडियंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिविंग इन्फॉर्मेशन बाय फोन एंड ईमेल, के इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे देना या ईमेल पे प्रोवाइड करना उसमें क्या डिफरेंस है? गिविंग इन्फॉर्मेशन बाय फोन एंड ईमेल प्रेजेंट डिस्टेंट डिफरेंसेस, के जो इन्फॉर्मेशन हम फ़ोन पे देते हैं या ईमेल्स पे प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत सा डिफरेंस है। फ़ोन कन्वर्सेशंस अलाउ और इमीडिएट फीडबैक एंड अ पर्सनल टच, जो फ़ोन की कन्वर्सेशन होती है वो अलाउ करते हैं कि इमीडिएट उसका फीडबैक मिले या एक पर्सनल टच होता है उसमें, ऑफन एडिंग इन क्लैरिटी थ्रू टोन एंड इमीडिएट बैक एंड वर्थ एक्सचेंजेस, कि वो इमीडिएटली हम किसी को कुछ बोलते हैं वो आगे हमें उसका आंसर देता है या आउटपुट देता है उसकी। ईमेल ऑन दी अदर हैंड, ईमेल जो उसकी दूसरी साइड ऑफर्स अ रिटर्न रिकॉर्ड, एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है विच कैन बी रेफर्ड बैक टू बट माइट लैक द इमेडियंसी एंड इमोशनल नॉसेंस ऑफ वॉइस, कि जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है तो जो उसकी इमीडिएट रिएक्शन होता है या रिस्पॉन्स होता है वो कहीं ना कहीं लैक करता है उसमें। बोथ मेथड सर्व यूनिक कम्युनिकेशन नीड्स, जो दोनों मेथड्स हैं बहुत ही कम्युनिकेशन यूनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस अर्जेंसी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, के जो डिपेंड करता है सिचुएशन की के कितनी अर्जेंट सिचुएशन है या वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन पीपल चेक वेदर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट, के लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। टू एसरटेन द एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी चेक करने के लिए इंडिविजुअल्स कैन एम्प्लॉय मल्टीपल स्ट्रेटजीज, जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग विद मल्टीपल रिलायंस सोर्सेज इज़ अ प्राइमरी अप्रोच, कि क्रॉस क्रॉस रेफरेंसिंग विद द मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज इज़ अ प्राइमरी अप्रोच, कि एक क्रॉस रेफरेंस करना वो एक प्राइमरी अप्रोच है इस डेवलपमेंट की। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ऑफन असेसमेंट्स ऑन वेरियस क्लेम्स, जो वेबसाइट्स होती हैं जो चेक करती हैं या कि चीज़ लीगल है या नहीं है। वाइल पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स इंश्योर स्कॉलरली सिक्योरिटनी, कि जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स होते हैं वो जो इंश्योर करते हैं उसकी सिक्योरिटी। इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल टू वेरीफाई डिटेल्स विद एक्सपर्ट्स इन द रेलिवेंट फील्ड, जो बेनिफिशियल होता है कि डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए जो जो एक्सपर्ट्स से जुड़ी होती हैं। इन द डिजिटल एज, डिजिटल की एज में डिसकंसर्नमेंट इज़ वाइटल, जो डिसकंसर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ दीज मैथड कैन एड इन डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, के जो ये मेथड्स हैं वो हेल्प करते हैं कि किसी भी चीज़ को कि वो फैक्चुअल है या नहीं है उसे प्रूव करने में। फोर्थ वन इज़ डू पीपल ट्रस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, कि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होती है लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं। पीपल्स ट्रस्ट इन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वेरीज कंसिडरेबली, जो लोगों का ट्रस्ट होता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को लेके वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। वेल द इंटरनेट इज़ अ वास्ट रेस्पिरेटरी ऑफ नॉलेज, के जो इंटरनेट की पे जो नॉलेज होती है वो बहुत ही बहुत ही वाइडर लेवल पे होती है। नॉट ऑल ऑफ इट इज़ क्रेडिबल, हर एक उस पे चीज़ है जो वो उसे हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, वो बहुत फैक्ट नहीं होता। सम इंडिविजुअल्स आर
कॉन्शियस एंड स्केप्टिकल ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज. जो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो जो कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ को लेके, या डाउटफुल होते हैं ऑनलाइन सोर्सेज को, स्पेशली विद द राइज ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. इस वजह के कि बहुत सी फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन. अदर्स मे बी मोर ट्रस्टिंग, जो दूसरे होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ओकेजनली टू देयर डेट्रीमेंट. उनके डेट्रीमेंट के अकॉर्डिंग द की लाइज इन डिसकंसर्निंग ट्रस्ट वर्थ वेबसाइट्स एंड क्रॉस रेफरेंसिंग इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर इट्स वेरिसिटी. के जो की होती है ट्रस्ट वर्थी वेबसाइट की एंड क्रॉस रेफरेंसिंग इन्फॉर्मेशन की, वो ये इंश्योर करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रस्ट वर्थी है या नहीं है. एंड द फिफ्थ इज, डज एन इंडिविजुअल प्रोवाइड इन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन टू समवन इन योर कंट्री. के जो इंडिविजुअल है इन अप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दूसरों को आपकी कंट्री में. इन माई कंट्री एज इज अ केस इन मैनी अदर्स, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता है, देर आर इंस्टांस वेयर इंडिविजुअल्स प्रोवाइड इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. के बहुत से ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जब इंडिविजुअल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, आइदर इंटेंशनली और अननोइंगली, नोइंगली और अननोइंगली वो प्रोवाइड करते हैं. दिस कैन स्टेम फ्रॉम पर्सनल बायसेस, जो पर्सनल हमारे बायसेस होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके उसको ध्यान में रखते हुए, डिज़ायर फ्रॉम पर्सनल गेन, उनके पर्सनल गेन के लिए, या सिंपली और सिंपली इग्नोरेंस, एक इग्नोरेंस होती है. ये फैक्टर्स होते हैं, की फीचर्स सच डिससेंटिमेंटेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज. जो हमारी डिससेंटिमेंटेशन होती है फॉल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लीडिंग टू मिसकनसेप्शंस, जो मिसकनसेप्शन को लीड करता है, पुअर डिसीजंस और मिसअंडरस्टैंड अमंग द रिसिप्टेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. इट अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग फैक्ट बिफोर शेयरिंग और एक्टिंग अपॉन देम. वो अंडरस्कोर करता है जो फैक्ट्स होते हैं उस इन्फॉर्मेशन में, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसको वो डिग्रेड करता है. एंड द लास्ट वन इज, डू डू यू इवन गेट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, डू यू इवन गेट एनी काइंड ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ फोन कॉल. के कभी आपने एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको फोन कॉल पे? सर्टेनली आई हैव रिसीव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवर फोन कॉल्स ऑन सेवरल ओकेजन. के बहुत से ओकेजन्स पे मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव किया फोन कॉल्स पे. समटाइम इट्स अ रिजल्ट ऑफ मिस कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. कभी बार ये रिजल्ट होता है मिस कम्युनिकेशन का या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का. वाइल एट अदर टाइम्स, दूसरे टाइम पे द कॉलर माइट बी मिस इन्फॉर्म्ड. जो कॉलर होता है वो मिस इन्फॉर्म्ड होता है. द लैक ऑफ विजुअल क्यूज और रिटन कॉन्टेक्स्ट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सच डिस्क्रेपेंसी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सच डिस्क्रेपेंसी. के जो विजुअल क्लूज की लैक होती है या रिटन कॉन्टेक्स्ट नहीं होते, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में. इट्स ऑलवेज असेंशियल टू क्रॉस चेक क्रिटिकल डिटेल्स ऑब्टेन ओवर अ कॉल टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस. कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्रॉस चेक करो उस डिटेल्स को जो आपने कॉल्स पे रिसीव किया, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, या जो उसकी जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको अवॉइड करने के लिए. तो ये था हमारा सैम्पल आंसर एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस. एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड एंड उसके सैम्पल आंसर शेयर करेंगे आपके साथ. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.